अरंबम ननाव की कस्टडी में मौत मामले में गिरफ्तार एसआई टीएच जितेंद्रो को आज अदालत में पेश किया गया है। उपनिरीक्षक जितेंद्रो को पद से निलंबित करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जिसके बाद उसे आज अदालत में पेश किया गया। और इससे पहले पुलिस प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसआई टीएच जितेंद्रो को निलंबित कर दिया था। वही आज पुलिस की कस्टडी में अरंबम ननाव की हुई मौत मामले को लेकर गठित ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कमेटी को मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। और यहां आपको बता दें कि कल अरंबम ननाव को न्याय की मांग में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान मामले की न्यायिक जाँच की मांग में कमेटी ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था। मालूम हो कि सागोलबंद कंगाबम लेकई इलाके से 38 वर्षीय अरंबम ननाव को आरोप अनुसार 2 मई की सुबह पुलिस की एक टीम उठाकर ले गई थी जिसमें एसआईटीए जितेंद्रो भी शामिल थे। ऐसे आरोप है कि पुलिस की टीम ने ननाव के साथ इस कदर मारपीट की कि उसे रिम्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जहाँ उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पेशे से सोनार अरंबम ननाव के खिलाफ पुलिस थाने में एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पैसे उधार लेकर वापस नहीं लौटाने की शिकायत दर्ज कराई थी और जिसके बाद उसे पुलिस की टीम उठाकर ले गई थी। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआई टीएच जितेंद्र को के निलंबन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में पेशी की गई है। It's Imam Mema having a different story to tell, and also a clear picture is again added to this the whole story. According to the Imam Mema, the family members of the deceased Nanao could not confirm that the Nanao had been picked up by the team of Imphal West Police, hit by the SI Jyotindro. The family member came to know about the pickup of Arambam Nanao by the police, because on that day, you know, on 2nd May, the police team was on plain clothes, and also the Arambam Nanao was not picked up from his residence. Nana was picked up while he was at the locality. So a family member didn't know about the Arambam Nana arrested or picked up by the police. They came to know only when they received a telephone call from the SI Jyotindro from Imphal West Police to come with certain amount of money so that the Arambam Nana can be released. So this is another different story. From JSC side, the firm stand is they are not going to claim the dead body until and unless whoever the police personnel is being arrested